एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और वीडियो। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे हैं कि हमारी मार्कशीट में FLDTH लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो यह वीडियो यहाँ पर 10वीं और 12वीं दोनों स्टूडेंट की मार्कशीट में लिख के आ रहा है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। और साथ ही यह वीडियो 10वीं और 12वीं दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही आपके मार्कशीट में भी FLDTH लिख के आया है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। हम सब कुछ आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? आप फेल हो या पास, सब कुछ बताने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने के साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारी मार्कशीट में FLDTH लिख के आया है, ठीक है? तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं मार्कशीट है, और साथ ही पहले तो इनके मार्क्स आप यहाँ पर देते, हिंदी में इनके 48 मार्क्स हैं और यहाँ पर इंग्लिश में 32 मार्क्स, ठीक है? और संस्कृत में यहाँ पर 48 हैं और मैथमेटिक्स में यहाँ पर 27 मार्क्स हैं और साइंस में यहाँ 35 मार्क्स हैं और सोशल साइंस में यहाँ पर 61 मार्क्स हैं, ठीक है? इस तरह से मार्क्स हैं। और साथ ही जो यहाँ पर इनके इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पर इनके लिखा हुआ है FLDTH, आप यहाँ पर देते हैं इंग्लिश में इनका यहाँ पर FLDTH लिखा है। और साथ ही इनका जो साइंस सब्जेक्ट है यानी विज्ञान, इनका उसमें भी यहाँ पर FLDTH लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट आपको इसका हम आपको इसको बता दें कि आप यहाँ पर थ्योरी यानी जो आपकी थ्योरी रहता है थ्योरी में आप यहाँ पर पास नहीं हुए, यानी आप जो आपका इंग्लिश है इंग्लिश और यहाँ पर साइंस में यहाँ पर जिस स्टूडेंट की भी मार्कशीट है वह स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश और साइंस में यहाँ फेल हो चुका है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वो यहाँ पर थ्योरी में यहाँ पर पास नहीं हुए हैं, ठीक है? तो यानी इंग्लिश में आप यहाँ पर जिस स्टूडेंट की मार्कशीट है वो इंग्लिश में फेल हो गया, साथ ही साइंस में भी फेल हो गया। साथ ही जो यहाँ पर हैज लगा हुआ है, हैज का मतलब रहता है, ठीक है? हैज आप यहाँ पर हैज का मतलब रहता है ग्रेस, ठीक है? यानी ग्रेस लगा कर आप पास हुए हैं। और साथ ही जो आप यहाँ पर देते हैं कि आप यहाँ पर रिजल्ट भी आपका फेल है यहाँ पर बता रहा है, ठीक है? तो यानी आप फेल हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पर अगर आपके यहाँ फेल लिखा है तो समझ लो आप फेल हो चुके हैं, अगर आप यहाँ 12वीं की स्टूडेंट हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट में FLDTH लिखा है तो आप फेल हो चुके हैं, आपको पेपर यहाँ पर यानी आपको सप्लीमेंट्री की और रुक जाने की पेपर देने नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर दो सब्जेक्ट में FLDTH लिखा है तो समझ लो आप फेल हो चुके हैं, आपको उस क्लास में फिर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आप यहाँ पर अच्छे से समझ होंगे कि FLDTH का मतलब रहता है फेल, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर दो सब्जेक्ट फेल हो चुके हैं तो आपको कोई भी पेपर देने नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।